ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, रचनाएं में हमने कल भी काफ़ी रचनाएं पढ़ाई थी और आज ये रचनाओं का ही अंतिम टर्न है। इसमें देख लीजिए कुछ रचनाएं हैं, जैसे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन इसमें रचना का। ये देखिए क्या है इसमें, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड कीजिए। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींचिए। रेखाखंड ए बी खींचिए। इसके बाद रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर एक केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा तथा बी को केंद्र मानकर, तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए हम खींचेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला काम ये करना है, एक रेखा खंड खींचना है। और कितने सेंटीमीटर का खींचना है? 8 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचते हैं और इस रेखाखंड की लंबाई ए बी दी गई है, ठीक। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। अब इसमें कहा गया है कि ए को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। मतलब यहाँ पर इसको केंद्र मानना और इस पर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो 4 सेंटीमीटर आप देख लीजिए, इसमें पटरी में 4 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए और यहाँ रखो प्रकार की नोक और इस तरह से आप 4 सेंटीमीटर का ही वृत्त ऐसे खींच दो, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर का खींच दिया। इसके बाद क्या कह रहा है कि बी को केंद्र मानकर, देखो बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का खींचा। तो बी आपका ये है, यहाँ से आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेगा। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसके केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है और इसके केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये जो ए और बी आया है जिसका लंबवर्धक खींचना है, तो ए से और बी से आपको ऊपर नीचे चाप लगाना, हमने बताया है तो कैसे करते हैं ये आप इसमें लंबवर्धक खींच देंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसमें, अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर इसको ये यम बिंदु पर इसको कट कर रहा है। किस बिंदु पर कट कर रहा है? यम बिंदु पर कट कर रहा है। यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पेंसिल की नोक रखेंगे और एक तीसरा वृत्त हम इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से हम तीसरा वृत्त खींचेंगे, ठीक है ना, जो कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो लंबवर्धक वाला जो वृत्त है इसको यहाँ पर कट कर रहा है और इस बिंदु पर कट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हमने सी मान लिया, इसको हमने डी मान लिया। तो क्या करेंगे, ए को सी से
मिला देंगे पटरी से ऐसे, और ए को डी से मिला देंगे पटरी से, तो इसके केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा बन गई। ठीक, इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा बन गई, और इस वृत्त के केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा खींच ली, तो इसको हम ई मान लेंगे और इसको हम यम मान लेंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, बी को ई से मिला दीजिए इस तरह से, और बी को यफ से मिला दीजिए, ये बन गए। तो प्रत्येक वृत्त के केंद्र से प्रत्येक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ठीक है ना, फिर इसको देख लीजिए एक बार, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, यह इस वृत्त का जो केंद्र है इसको एम, वृत्त के केंद्र को ए मानेंगे, इससे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, इसके केंद्र को हम बी मानेंगे, इस पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इस ए और बी का लंबवतधर खींचेंगे। लंबवतधर करने के बाद देखिए इस ए बी रेखा को ये यम बिंदु पर कट कर रहा है, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल की नोक रखकर इस वृत्त को खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इस वृत्त के केंद्र यहाँ पर ए है, ए को सी से मिला देंगे और यहाँ पर ए को डी से मिला देंगे, इसी प्रकार यहाँ पर बी को ई से मिला देंगे और बी को ई एफ से मिला देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा जो है रचना बन जाएगी। देखिए अगली रचना है, अगला क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है ना, ये देखिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, संकेंद्री वृत्त कौन होते हैं, एक ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक होते हैं, तो सबसे पहले हम एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचेंगे, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींच लिया। अब यहाँ पर देखिए ये वृत्त का केंद्र ये हो गया, ये आपका 6 सेंटीमीटर का हो गया। संकेंद्री वृत्त ऐसे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है। अब ये देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, तो यहाँ पर इस केंद्र को मानकर हम 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। ये देखिए, ठीक, पहले क्या किया हमने, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, फिर हमने 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। अब इस वृत्त पर, बड़े वाले वृत्त पर, यहाँ पर कोई बिंदु हम ले लेंगे P, यहाँ कौन सा बिंदु ले लेंगे P, ठीक है ना, इस वृत्त से इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो O और P का लंबवतधर कर देंगे, आधे से ज्यादा दूरी लेकर हम इस तरह से चाप खींच देंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हमने यम मान लिया, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक हम वृत्त ऐसे खींचेंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे। अब यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी, यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी, ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो इस तरह से ये एक रचना बन जाएगी। ठीक है ना, ये तो इस तरह से ये रचना बन गई। ठीक है ना, आज से रचनाओं का जो पार्ट है वो आपका समाप्त हो गया, हर प्रकार की रचना मैंने आपको बता दी और इसी तरह की रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट टर्म में जो है केवल आपका एक चैप्टर त्रिभुज रह गया है सिलेबस में, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।